ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक बहस आज दूसरे दिन भी जारी है। संवैधानिक पीठ ने ट्रिपल तलाक पर आज बेहद कड़ी टिप्पणी की। ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक बहस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि 3 तलाक निकाह को खत्म करने का सबसे खराब और अनचाहा तरीका है। कोर्ट ने सलमान खुर्शीद से पूछा कि ट्रिपल तलाक परंपरा है या इस्लाम का हिस्सा। खुर्शीद ने जवाब दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ट्रिपल तलाक पाप है, लेकिन कानून वैध है। इस पर जस्टिस कुरियन ने पूछा कि जो पाप है वो शरीयत का हिस्सा कैसे हो सकता है। जो ईश्वर की नजर में पाप है वो इंसान की ओर से बनाए गए कानून में लीगल कैसे हो सकता है। तो अगर उस धर्म में इसको पाप माना जाता है, पाप माना जाता है सोच से, तो इसको फिर कानूनी वैधता कैसे दी जा सकती है। इस बात पर मैंने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है। कोर्ट में सीनियर वकील राम जेठमलानी ने भी अपनी दलीलें दी। जेठमलानी ने कहा कि ट्रिपल तलाक पति पत्नी के अलग होने का सबसे घिनौना तरीका है। ये महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देता। मैं चाय बिस्कुट पीते खाते खाते जब मेरे को मन में आ गया कि तलाक देना चाहिए और मैं तलाक 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 बोल देता हूँ तो तलाक हो गई, और ऊपर से बीवी को बोलते हैं कि आप बाजू किसी से और से करें। हमारे देश में तमाम ऐसी कुरीतियाँ हैं, तमाम ऐसे अंधविश्वास हैं जिनके सुधार की आवाजें भी उठी हैं और सुधार हुए भी हैं। अगर आप देखें सती प्रथा, 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए 5 मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार 3 तलाक के विरोध में इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बता चुकी है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई तक सुनवाई चलेगी। संवैधानिक पीठ रोजाना सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का पहला बिंदु है 3 तलाक और हलाला मौलिक अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दूसरा बिंदु है 3 तलाक और हलाला इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम की 4 अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े विद्वानों की लिस्ट और ट्रिपल तलाक पर उनकी राय भी पूछी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ इनकम टैक्स जांच को मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट की इस मंजूरी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खातों में कथित हेराफेरी की जांच कर सकेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस कंपनी में हिस्सेदारी है, दोनों कंपनी में डायरेक्टर हैं। आयकर विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है। यंग इंडियन लिमिटेड पर 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL के 90 करोड़ 25 लाख रुपए के रिकवरी राइट्स खरीदने का आरोप है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को अदालत में ले गए थे, लेकिन सोनिया राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स अभी फ्रॉड है, तो मैंने कंप्लेंट इनकम टैक्स से अलग से दी। अब उस इनकम टैक्स ने फिर उसको जांच में लगाई और काफी टाइम लगा दी, परंतु आखिर में उन्होंने काम कर दिया। अब इन्होंने इनको तो गिरफ्तार करनी चाहिए पूछताछ करने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि हम सभी दलीलें, जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम IT डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं। कांग्रेस ने YIL नाम से नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी 2010 में बनाई थी और सिर्फ 90 करोड़ रुपए में AJL का अधिग्रहण कर लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने षड्यंत्र के तहत AJL से राइट YIL में ट्रांसफर कराए थे। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि इस अधिग्रहण के जरिए गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के जांच के आदेश को सोनिया राहुल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल के पास 38-38 फीसदी शेयर थे, जबकि बाकी के 24 फीसदी शेयर अन्य मेंबर्स के पास थे। चुनाव आयोग ने आज EVM से छेड़छाड़ के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, पार्टियों को EVM हैक कर दिखाने की चुनौती दी। चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई बैठक में 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 35 क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान एक्सपर्ट्स की टीम ने EVM का डेमो दिखाकर राजनीतिक पार्टियों की आशंका दूर करने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को EVM हैक कर दिखाने की चुनौती दी है और इसके लिए रविवार और सोमवार का वक्त दिया गया है। देखिए, EVM जो है वो बहुत टेस्टेड और ट्रस्टेड वोटिंग की व्यवस्था है, और हमारा मानना है कि इसी EVM ने
तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में कि विपक्ष की सरकारों को बनाया। तो हमने कहा कि आप हमें मशीन दे दीजिए, हम उसको टेम्पर करके दिखा देंगे, लेकिन अगर आपको उसका टेक्निकल फ्लॉ ढूंढना है तो आपको उसकी टाइम स्टैम्प निकालनी पड़ेगी, आपको वो वोटर्स बुलाने पड़ेंगे जिन्होंने एफिडेविट दिए हैं। कई पार्टियों ने ये जाहिर किया कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, लोकतंत्र में किसी तरह की शंका उसको निर्मूल करना चाहिए। कई पार्टियों की ओर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ये बैठक बुलाई थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत की थी। ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे पर 16 विपक्षी दल राष्ट्रपति से मिले थे। बैलेट पेपर से चुनाव का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। केजरीवाल सरकार ने 9 मई को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम पर डेमो दिया था। आम आदमी पार्टी ने इस डेमो में नकली मशीन के जरिए ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने का दावा किया था। चुनाव आयोग ने बैठक में 7 राष्ट्रीय दलों को और 48 क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया था। श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिकोया अस्पताल का उद्घाटन किया, बगैर नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। कोलंबो में पीएम मोदी ने डिकोया अस्पताल का उद्घाटन किया। हिलेरिया में बने इस अस्पताल को बनाने में भारत ने मदद की है। इस इलाके में भारतीय मूल के बागान मजदूरों की काफी आबादी है। पीएम मोदी ने 14वें वेसाक डे के मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और बौद्ध मंदिर में पूजा भी की। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। शांति कायम रखने को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए दक्षिण एशिया में आतंकवाद की मजबूत होती जड़ों पर चिंता जताई। The menace of terrorism in our region is a clear manifestation of this destructive emotion. पीएम मोदी ने श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का भी जिक्र किया और मुरलीधरन को श्रीलंका की ओर से दुनिया को मिला बेहतरीन गिफ्ट बताया। पीएम मोदी ने कोलंबो से वाराणसी के बीच अगस्त से सीधी उड़ान का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने श्रीलंका में इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 10,000 अतिरिक्त घर बनाए जाने की भी घोषणा की। पीएम मोदी ने निवेश और कारोबार के लिए श्रीलंका को भारत का अहम साझेदार बताया। पीएम मोदी ने डिकोया में तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा का सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी है। केजरीवाल को आज कपिल मिश्रा की मां ने चिट्ठी लिखकर आईना दिखाया। अपनी सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे अरविंद केजरीवाल पर कपिल मिश्रा की मां ने तीखा नहीं बल्कि इमोशनल हमला किया। अन्नपूर्णा मिश्रा ने केजरीवाल को पारदर्शिता पर उनकी बड़ी बड़ी बातें याद दिलाई। कपिल के बीजेपी एजेंट होने को भी झूठ बताया। कपिल मिश्रा के धरना स्थल पर उन्होंने पूरी चिट्ठी पढ़ी। अरविंद, तुमने कपिल के साथ काम तो किया पर शायद उसे पहचाना नहीं, वो बहुत जिद्दी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक माँ होने के नाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी सी जानकारी इसने मांगी है वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान से डरना सीखो अरविंद। कल कपिल मिश्रा ने ऐलान किया था कि 14 मई को केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार पर 3 और बड़े खुलासे करेंगे। गुजरात के वडोदरा में बारात लेकर दुल्हन लेने निकले दूल्हे की मौत के बाद खुशियां मातम में बदल गई। वडोदरा के रणौली गांव में सागर सोलंकी की बारात धूमधाम से निकली थी। दूल्हे के दोस्तों ने नाचते नाचते दूल्हे से भी घोड़ी से उतरकर डांस करने की जिद की। दूल्हा मना नहीं कर पाया और घोड़ी से उतरकर नाचने लगा। दोस्तों ने दूल्हे को कंधे पर बिठाया और फिर से नाचना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक दूल्हे की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बेसुध होकर एक तरफ झुक गया। दोस्तों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गया और थोड़ी ही देर में उसकी सांसें रुक गई। शादी का जश्न देखते ही देखते अचानक से मातम में बदल गया। दूल्हे की मौत से सब सदमे में हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।